स्वागत से बड़ी खबर सामने आई है। श्री राम कथा के दौरान भगदड़ मची है। दरअसल खिमलासा रोड पर आयोजन हो रहा था, नारियल वितरण के दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ में कई महिलाएं घायल हो गई है। तस्वीर सामने आई है, महिलाओं को अस्पताल भर्ती कराया गया है। श्री राम कथा के दौरान भगदड़ मची हुई सागर में। आयोजन के चलते इस भगदड़ में देखे तो करीब कुछ महिलाओं को इसमें चोट भी लगी है, जिनका उपचार चल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सागर में श्री राम कथा के दौरान भगदड़ का मामला सामने आया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भगदड़ यहाँ पर मच गई, कुछ महिलाएं इसमें घायल हुई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। नारियल वितरण के दौरान ये भगदड़ देखने को मिली। खिमलासा रोड पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा था, आयोजन चल रहा था, इस बीच नारियल वितरण के बीच भगदड़ देखने को मिली। और चलेंगे सागर, बात करेंगे दिनेश शर्मा से। दिनेश, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है, कैसे भगदड़ मच हुई, क्या कुछ वजह रही? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जीना में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर नारियल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान नारियल वितरण के दौरान जो धार्मिक बंधु है उनमें गन्ने लेने की होड़ मच गई। इसी दौरान इस समय भगदड़ मच गई, इसमें से 16 महिला घायल हुई है, जिनमें से 3 महिलाओं को फ्रैक्चर हुआ है, वही 5 महिलाओं को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि जिसकी अब जो महिला भर्ती है उनकी नियंत्रण में। आयोजन समिति की चूक इसमें सामने आ रही है, आयोजन समिति का क्या कुछ कहना है दिनेश शर्मा? मैं बताना चाहूंगा कि आयोजन समिति है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने सामने आई हुई है कि व्यवस्था ना होते हुए भी नारियल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ देखते ही देखते लाखों की जनता इकट्ठी हो गई और जनता को संभालने के लिए कोई व्यवस्था इनके पास थी नहीं और इसी कारण से यहाँ भगदड़ मची है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो महिलाओं को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, जिनका उपचार चल रहा है, और नारियल वितरण के दौरान ये भगदड़ मची, उसके बाद महिलाओं को चोट लगी है, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। दरअसल श्रीराम कथा के दौरान यहाँ पर नारियल का वितरण चल रहा था, नारियल को पाने की कोशिश करने में उसकी होड़ में महिलाओं को आपस में भगदड़ का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्हें चोट भी लगी है। ये तस्वीरें सामने आई भगदड़ की। नारियल वितरण के दौरान मामूली सी भगदड़ बच गई, लेकिन इसमें कुछ महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें मामूली चोट आई है, कुछ फ्रैक्चर भी हुए हैं। भगदड़ में कई महिलाओं को चोट आई, इसी जानकारी दिनेश शर्मा दे रहे थे। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका उपचार चल रहा है। श्री राम कथा के दौरान नारियल वितरण में भगदड़ मच गई। खिमलासा रोड पर आयोजन हो रहा था, जब भगदड़ मच गई। बता दें, नारियल का वितरण चल रहा था, इस बीच महिलाओं में नारियल को पाने की होड़ मची और उसके बाद अचानक भगदड़ देखने को मिली। भगदड़ में कई महिलाओं को चोट भी लग गई है। महिलाओं को फिलहाल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। श्री राम कथा के दौरान ये भगदड़ की तस्वीर सामने आई है। तो खिमलासा रोड पर आयोजन चल रहा था, जहाँ पर नारियल का वितरण श्री राम कथा में होना था, और इस बीच एक के बाद देखते ही देखते कुछ ही मिनट्स में भगदड़ भीड़ में तब्दील हो गई और देखते ही देखते कुछ महिलाओं को इसमें चोट लग गई है, कुछ घायल भी हुई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तो महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीराम कथा के दौरान भगदड़ का मामला सामने आया। खिमलासा रोड पर यह आयोजन हो रहा था, इस बीच भगदड़ देखने को मिली। भगदड़ में कई महिलाएं घायल हो गई हैं, महिलाओं को अस्पताल भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें, आयोजन समिति की इसमें चूक निकल कर सामने आ रही है, कुछ महिलाओं को चोट लगी है, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। दरअसल नारियल का वितरण होना था और उस बीच नारियल वितरण के बीच भगदड़ मच गई और देखते ही देखते महिलाओं को चोट लग गई है, फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। श्री राम कथा का आयोजन खिमलासा रोड सागर में चल रहा था, इस बीच नारियल का वितरण किया जा रहा था, नारियल पानी की जुगत में महिलाएं आगे आई और एक के बाद एक भगदड़ की तस्वीर भी देखने को मिली। इस बीच भगदड़ में कई महिलाओं को चोट लगी है, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। खिमलासा रोड पर यह आयोजन हो रहा था। सागर में नारियल वितरण के दौरान महिलाओं के बीच भगदड़ देखने को मिली। श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था, महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां का उपचार चल रहा है। तो श्री राम कथा के दौरान भगदड़ की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, नारियल वितरण के दौरान ये भगदड़ देखने को मिली। श्री राम कथा के दौरान भगदड़ देखने को मिली है। सागर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगदड़ में महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। खिमलासा रोड पर यह आयोजन हो रहा था। सागर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें 3 को फ्रैक्चर है
और बाकी को साधारण मतलब भूख प्यास और घबराहट जैसी स्थिति है, चोट नहीं है। पांच लोगों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है और हमारे सहयोग के लिए हमने बाहर के भी डॉक्टर साहब लोगों का सहयोग लिया है। डॉक्टर तिवारी हैं और डॉक्टर साहू जी हैं, उनसे हम संपर्क में हैं, BURL के संपर्क में हैं, लेकिन चूंकि संख्या बहुत कम है इसलिए उनके हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो फ्रैक्चर हैं उसके लिए हमने अलग से डॉक्टर बुलवा कर उनकी व्यवस्था करा ली है और स्थिति अब कंट्रोल में है। तो थोड़ी जो नारियल की व्यवस्था है, जो बांटने की व्यवस्था है, थोड़ी सी कार्यकर्ता आम मतलब लोगों के जो कार्यकर्ता हैं उनको नारियल की व्यवस्था बनाने थी प्रशासन को कि जी कहाँ रखना चाहिए, कैसे जगह निकालना चाहिए जिनमें जनता बीच में कोई जनता को परेशानी नहीं हो। तो ये थोड़ी सी नारियलों में बटने में थोड़ा सा वो जो उनने बनाया उसमें भगदड़ में जनता हर आदमी को नारियल चाहना था कि हमें परिवार में अच्छी बात है नारियल, हमारे तरह सुख शांति हो, वह सब अच्छी बात है। कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 25-30 लोग घायल हो चुके हैं।